इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले कैंडिडल SB कैप्सूल के बारे में या फिर कैंडिडल SB 50 mg कैप्सूल के बारे में। कैंडिडल SB 50 mg कैप्सूल का क्या यूज है, कब इसको यूज किया जाता है, कितने दिन तक यूज किया जाता है, यूज करने से क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज करने से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या अंग्रेजी से मॉलिक्यूल से कंपोजिशन लगे और किस प्रकार काम करता है और इसका डोज डोसेंस कितना होना चाहिए, इसका डोज आप किसी दिन मिस कर जाए तो अगले दिन इसका डोज किस तरह से ले सकते हैं, ये कैप्सूल का इस्तेमाल स्किन को नहीं करना चाहिए, ये कैप्सूल का इस्तेमाल करते समय क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, फंगल इन्फेक्शन के इलाज में दिए जाने वाले कैप्सूल इतना यूजफुल क्यों है और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर और कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर इसको क्यों रिकमेंड करते हैं, तो कैंडिडल SB 50 mg कैप्सूल के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किए या फिर आप नहीं हो तो स्क्रीन को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। शुरू करते हैं कैंडिडल SB कैप्सूल जो कि हमारे पास 10 गोली का कैप्सूल है जिसकी MRP की बात करें तो इसकी MRP अराउंड 140 यानी कि 140 रुपये के करीब इसकी MRP है। कैंडिडल SB कैप्सूल को ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है जो कि एक नामचीन कंपनी है और बहुत सारे एलोपैथिक्स मेडिसिन भी बनाती है। कैंडिडल SB कैप्सूल के अंदर इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल का बोलने की बात करें तो इसके अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल डाला गया जिसका नाम है इट्राकोनाजोल कैप्सूल्स BP 50 mg। BP बोले तो ब्रिटिश फार्माकोपिया, यानी कि कैंडिडल SB कैप्सूल के अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल डाला गया जिसका नाम है इट्राकोनाजोल 50 mg कैप्सूल्स। कैंडिडल SB 50 mg कैप्सूल का यूज़ के बारे में बात करें, इसका इस्तेमाल फंगल इन्फेक्शन के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल फेस, वेजाइना, तवसा और शरीर के अन्य हिस्सों जैसे कि उंगलियों और पैरों के नाखूनों में होने वाले फंगल इन्फेक्शन के इलाज के लिए ये कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। सरल भाषा में बताएं तो कैंडिडल SB 50 mg कैप्सूल का इस्तेमाल अगर आपकी बॉडी की कोई भी पार्ट में या फिर हाथों या पैरों में या उंगलियों के बीच में या नाखूनों में कुछ फंगल इन्फेक्शन हुआ है या फिर आपको पसीने की वजह से आपकी जांघों के नीचे इचिंग्स, खुजली या रशेस टाइप हो गया है या फिर फंगल इन्फेक्शन टाइप हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए कैंडिडल SB 50 mg कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। कैंडिडल SB 50 mg कैप्सूल का डोज ड्यूरेशंस की बात की तो उसका डोज ड्यूरेशंस आपकी एज और वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी और वेट कितना है। उसका डोज ड्यूरेशंस आफ्टर मिस रहता है यानी कि कैप्सूल को खाना खाने के बाद दिया जाता है। कैंडिडल SB 50 mg कैप्सूल का इस्तेमाल अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करिए। अगर आप इसको कंटिन्यू बेस पर इस्तेमाल किया जा रही है यानी कि अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल नहीं करिए, कंटिन्यू बेस पर इसका सेवन किया जा रही है तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, यानी कि ये कैप्सूल को अगर आप ओवरडोज लेते हैं तो इसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। साइड इफेक्ट में आपको हो सकता है आपको मिचली आना, जुकाम होना, खांसी होना, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो कैंडिडल SB 50 mg कैप्सूल का इस्तेमाल अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करिए। कैंडिडल SB 50 mg कैप्सूल किस प्रकार काम करता है यानी कि हाउ टू वर्क्स कैंडिडल SB 50 mg कैप्सूल। कैंडिडल SB 50 mg कैप्सूल के अंदर जो दवाई रहती है यानी कि इट्राकोनाजोल 50 mg कैप्सूल वो एक एंटी फंगल दवाई है। यह फंगल सेल मेम्ब्रेन को नष्ट करके कवक को ख़त्म करता है। यह आपकी तवसा के इन्फेक्शन का इलाज करता है। कैंडिडल SB 50 mg कैप्सूल को यूज़ करने के पहले अपने जनरल पीजीसी फैमिली डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर या कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करिए। बाद में इस कैप्सूल का इस्तेमाल करिए, अपने मन से कैंडिडल SB 50 mg कैप्सूल का इस्तेमाल कभी भी नहीं करिए। तो कैंडिडल SB 50 mg कैप्सूल के बारे में कुछ भी डाउट हमारी कमेंट सेक्शन बताइए, अदरवाइज डिस्कशन में मेल आई दिया है वहाँ पर बताइए। कैंडिडल SB कैप्सूल का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज के लिए था। कोई भी कैप्सूल का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।